बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जस्ट टू इंटरप्रेट के जो EPI की मुहिम होती है, इसमें घर के बाहर कुछ तहरीर नस्ब होती है, लिखे जाते हैं, और हर तहरीर डिफरेंट कलर में होती है, ठीक है। जब ये EPI स्टार्ट होती है मुहिम, तो इसमें टीम जो है ना, वो अपना UC नंबर, ब्लॉक नंबर, वो तहरीर करती है होती है, और अपना मुहिम का लिखती है कि वो कौन से मुहिम है। दैन वो लिखते हैं कि किस डेट को आए थे और हाउस नंबर कौन सा था, उनकी लिस्ट मुताबिक, क्योंकि पोलियो कैंपेन पे जो पोलियो की मुहिम होती है उसकी लिस्टें बनती हैं। और फिर यहाँ पे वो लिखते हैं कि क्या इस घर के अंदर बच्चे कितने हैं और कितने बच्चों ने पोलियो के कतरे पी लिए। ये जो क्रॉस हुआ है, इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ क्या। अच्छा, ये है टीम नंबर, कौन सी टीम नंबर थी और उसके मुताबिक, और यहाँ घर के अंदर कोई एक्यूट फ्लैसिड पैल्सी यानी ऐसी माजूरी के जो टांगों की माजूरी का कोई बच्चा ऐसा तो नहीं कि जो 15 साल से कम, 6 माह से ऊपर और 15 साल से कम का ऐसा तो नहीं है कि जो हो, तो वो ज़ीरो है। अच्छा, फिर यहाँ पे इन्होंने कि ज़ीरो डोज, कि कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है कि जिसने शुरू से यानी पैदा हुआ और तकरीबन साल का टाइम हो गया, 6 माह का टाइम हो गया और उसने पोलियो के कतरे पिए ही नहीं, तो ये वो ज़ीरो वाली होती है कि जिसको फौरी तौर पे असिस्ट करके वो तो सेंटर में लेके जाया जाता है ताकि वहाँ पे इसकी ज़ीरो डोज को कवर किया जाए ताकि वो पोलियो के कतरे पी ले, पोलियो से बचाव के कतरे पी ले, पोलियो से बचाव के कतरे पी ले, तो ये देखा जाता है और क्या उसने पोलियो के से बचाव के कतरे पिए हैं कि नहीं पिए। अच्छा, यहाँ पे जब टीम आ रही होती है वो आगे चलती रहती है, यहाँ पे एक मुझे चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जो एरो है